कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी की शनिवार सुबह हार्ट अटैक से मौत हो गई। जिस समय उनको हार्ट अटैक आया वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। जी हां, यात्रा के दौरान वो बिल्कुल भी सही थे, जबकि उनके चेहरे पर मुस्कान भी नजर आई थी, लेकिन अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया है। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त कांग्रेस सांसद को हार्ट अटैक आया उस दौरान यात्रा फकवाड़ा और फिल्लौर की ओर जाने वाली सड़क से निकल रही थी। संतोख सिंह के निधन पर तमाम राजनीतिक दलों में नेताओं में शोक व्यक्त किया है। पंजाब के विपक्ष के नेता प्रताप सिंह भाजपा ने कहा कि चौधरी केलर से सांसद राहुल गांधी के साथ चल रहे थे, जब वो अचानक दिल का दौरा पड़ने के बाद गिर गए। बता दें कि चौधरी को एम्बुलेंस से फगवाड़ा के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह 76 वर्ष के थे। अस्पताल से उन्हें शव को जालंधर स्थित आवास ले जाया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संतोख सिंह के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, वो एक जमीन से जुड़े मेहनती नेता और पवित्र व्यक्ति और कांग्रेस परिवार के एक मजबूत स्तंभ थे, जिन्होंने युवा कांग्रेस से संसद सदस्य तक अपना जीवन सार्वजनिक रूप से समर्पित किया। उन्होंने आगे कहा, मैं केवल शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ।